सिंगरौली में पुलिस लगातार लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों की धरपकड़ कर रही है। ऐसे एक मामले में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी पर लूट के इरादे से हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिंगरौली में नेहा इंटरप्राइजेस के कर्मचारी राजकुमार शुक्ला पर 3 आरोपियों ने चाकू से हमला कर उनसे रुपये लूटने की कोशिश की थी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता की वजह से आरोपी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए थे। इसके बाद ASP शिव कुमार वर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक PS परस्ते ने अलग अलग टीमें बनाई। उन टीमों ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य लूट की घटना में पुलिस ने लुटेरों को पकड़कर घटना में लूटी हुई 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन जब्त करने में सफलता हासिल की। मतगणना दिनांक को जब आप मीडिया कर्मी भी और हम सभी मतगणना की ड्यूटी कर रहे थे, उसी समय अचानक एक सूचना आई कि एक व्यक्ति के साथ जो है लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई है। अच्छी बात ये रही कि उसका जो पैसा था वो बच गया था और उसको कहीं भी वाइटल पार्ट पे चोट नहीं आई थी। तत्काल हमारी पुलिस की टीम जो है स्पॉट पर गई और पहले तो जो घायल व्यक्ति थे राम कुमार शुक्ला उनको जो है भर्ती कराया गया। उनके हाथ में चाकू लगा था और वहीं पर आनन फानन में जो आरोपी थे उनके द्वारा एक कट्टा जैसी दिखने वाली बंदूक वो भी वहीं छूट गई थी। बाद में विवेचना में आगे पता चला कि वो कट्टा भी नहीं है, वो जो गुलेल टाइप की जो नकली होते हैं बंदूक टाइप की वैसी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।